हेलो माइनर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड माइनर में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेइंग के बारे में, माइंड में यूज़ होने वाले सर्वे के बारे में और उनसे रिलेटेड टर्म के बारे में। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सर्वे। सर्वे या सर्वेक्षण क्या है? इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अ डिफरेंट पॉइंट और ऑब्जेक्ट, इट इज नेसेसरी टू मेक लीनियर एंड डायरेक्शनल मेजरमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज सर्वेइंग। किसी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजिशन बताने के लिए अथवा किसी पॉइंट का रिलेटिव पोजिशन बताने के लिए किया गया लीनियर या डायरेक्शनल मेजरमेंट सर्वेइंग कहलाता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए किसी पास वाले परमानेंट स्ट्रक्चर का रेफरेंस लेते हैं और वहाँ से लीनियर और डायरेक्शनल मेजरमेंट करके बता देते हैं कि यह पॉइंट इस बिल्डिंग से इस दिशा में इतनी दूरी पे है। यह जो सारा प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वह सर्वेइंग कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है लेवलिंग। व्हाट इज लेवलिंग? द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव हाइट और एलिवेशन ऑफ अ डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन और एज्यूम्ड डाटम, इट इज कॉल्ड लेवलिंग। लेवलिंग में दिए गए डाटा या एज्यूम्ड डाटा के सापेक्ष उसके आधार पर डिफरेंट पॉइंट का हाइट या एलिवेशन निकालना या निर्धारित करना ही लेवलिंग कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सर्वेइंग एंड लेवलिंग? सर्वेइंग और लेवलिंग में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? इन सर्वेइंग द मेजरमेंट आर टेकन इन द हॉरिजेंटल प्लेन, बट इन लेवलिंग दे आर इन टेकन इन वर्टिकल प्लेन। कहता है कि हम सर्वे के दौरान जो मेजरमेंट करते हैं वो हॉरिजेंटल प्लेन में करते हैं, चाहे वो डिस्टेंस मेजरमेंट हो अथवा डायरेक्शन का, वो हम हॉरिजेंटल प्लेन में ही करते हैं सर्वेइंग के दौरान। और लेवलिंग के दौरान जो हम मेजरमेंट करते हैं वो वर्टिकली करते हैं। वर्टिकली मेजरमेंट चाहे हाइट का हो या एलिवेशन का हो, डिफरेंट पॉइंट्स के लिए जो हाइट और एलिवेशन निकालते हैं वो वर्टिकल में निकालते हैं। सो बेसिक डिफरेंस है कि सर्वे के दौरान हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजरमेंट होता है और लेवलिंग के दौरान वर्टिकल प्लेन में मेजरमेंट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे? जो सर्वे करते हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है हमारा सर्वे करने के? द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे इज प्रिपरेशन ऑफ अ प्लान एंड मैप। जो हमारा उद्देश्य है सर्वे का, सर्वे हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस पर्टिकुलर प्लेस का या पर्टिकुलर पॉइंट का हम डाटा कलेक्ट कर सके, उसका डिस्टेंस, किसी रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में है, वो सारे डाटा कलेक्ट करके और हम उसके डाटा के आधार पे प्लान या मैप तैयार कर सकें जिससे हमें उस पॉइंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। बात करते हैं प्राइमरी डिवीज़न ऑफ सर्वे। इट इज़ डिवाइड इनटू टू मेथड। पहला है प्लेन सर्विंग, दूसरा है ज्योडेटिक सर्वे। जो सर्वे को प्राइमरी डिवीज़न किया गया है वो दो चीज़ों के आधार पे किया गया है। पहला प्लेन सर्विंग, दूसरा ज्योडेटिक सर्विंग। सो आइए देख लेते हैं, व्हाट इज प्लेन सर्विंग? द सर्वे इन विच द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड, द सर्फेस इज टेकन टू द प्लेन, इट इज कॉल्ड प्लेन सर्वे। कहता है प्लेन सर्विंग ऐसा सर्विंग है जिसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसिडर नहीं किया जा सकता, वो प्लेन सर्विंग कहलाता है। जैसा इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यदि अर्थ सर्फेस है, अगर हम 260 स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया का सर्वे करते हैं तो उसको कंसिडर करेंगे एज अ प्लेन सर्वे, उसमें अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर नहीं करेंगे। और यदि जियोडोटिक सर्वेइंग करेंगे उसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करेंगे। द सर्वे इन विच द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड, इट इज नोन एज जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग में यदि जिस एरिया का सर्वे करेंगे, जिस सरफेस एरिया का सर्वे करेंगे, यदि वो 260 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसमें अर्थ के कर्वेचर को हम कंसिडर करेंगे, यही जियोडेटिक सर्वे कहलाता है। सो वेयर वी कैन कंसिडर कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड वेयर नॉट कंसिडर, इफ एरिया वेयर वी कैन डूइंग सर्वे इज लेस देन 260 किलोमीटर, देन वी कैन कंसिडर एज अ प्लेन सर्वे, बट
वेयर एरिया इज मोर देन 260 किलोमीटर देन कंसिडर्ड एज अ जियोडेटिक सर्वे द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड। 260 स्क्वायर किलोमीटर से कम रहेगा तो वो प्लेन सर्वे कहलाएगा, और 260 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया का अगर सर्वे करते हैं तो वो जियोडेटिक सर्वे कहलाएगा, जिसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसिडर किया जाएगा। जो सर्वे का क्लासिफिकेशन है उसके ऑब्जेक्ट के आधार पे उसे 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला है जियोलॉजिकल सर्वे, दूसरा है माइन सर्वे, तीसरा है मिलिट्री सर्वे, फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे, फिर इंजीनियरिंग सर्वे। सो वी आर माइनर्स तो हमें माइनिंग सर्वे के बारे में जानना है, तो हम माइनिंग सर्वे के बारे में डिटेल से जानेंगे। सो व्हाट इज माइन सर्वे? द सर्वे इज डन फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल्स वेल्थ अंडर द अर्थ क्रस्ट सच एज कोल, कॉपर, गोल्ड एंड अदर मिनरल्स एट्सेट्रा, दैट इज नोन एज माइन सर्वे। ऐसा सर्वे जिसमें हम मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए जो सर्वे करते हैं, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, अर्थ के नीचे, यानी ओपन कास्ट यानी एबव द अर्थ एंड अंडर द अर्थ, दोनों तरह का जो सर्वे करते हैं मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए, वो माइन सर्वे के अंतर्गत आता है। और एक लैंड सर्वे होता है, लैंड सर्वे जो सिर्फ जमीन के ऊपर यानी एबव ग्राउंड, एबव द ग्राउंड, वो सर्वे लैंड सर्वे कहलाता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंड सर्वे एंड माइन सर्वे? द सर्वे विच इज कैरिड आउट फॉर द डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सर्फेस, इट इज कॉल्ड लैंड सर्वे। बट माइन सर्वे इज फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल्स। जो अर्थ सर्विस होता है वो सिर्फ रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ यानी किसी पॉइंट का रिलेटिव पोजिशन बताने के लिए जो सर्वे करते हैं उसे लैंड सर्वे कहते हैं। और जो माइन खोलने के लिए, मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए जो सर्वे करते हैं वो माइन सर्वे कहलाता है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लान एंड मैप? जो प्लान बनाते हैं और मैप बनाते हैं उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट कहता है, अ प्लान इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू सम स्केल ऑफ द फीचर ऑन द नियर और बिलो ऑफ द अर्थ सर्फेस एज द प्रोजेक्टेड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। वही मैप कहता है, इफ अ स्केल ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मॉल द प्लान इज कॉल्ड मैप। प्लान में क्या होता है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है नियर और बिलो द अर्थ सर्फेस, यानी प्लान सर्फेस के ऊपर भी जो सर्फेस के ऊपर भी जो सर्वे करते हैं उसके लिए भी प्लान बनता है, सर्फेस के नीचे यानी अंडरग्राउंड में जो करते हैं वो भी प्लान कहलाता है। लेकिन यदि वही प्लान स्मॉल स्केल में बना हुआ हो तो वो मैप कहलाएगा। रिप्रेजेंटेशन और हॉरिजॉन्टल प्लेन इज स्मॉल द प्लान इज कॉल्ड मैप। जो प्लान होगा वो बड़े स्केल में होगा और जो मैप होगा वो छोटे स्केल में होगा। अब समझ लेते हैं छोटा स्केल और बड़ा स्केल क्या होता है। इफ यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है या उससे कम है तो वो बड़ा स्केल कहलाएगा, और यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर या 100 मीटर से ज़्यादा है तो वो स्मॉल स्केल कहलाएगा। ऑन अ प्लान जनरली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर शोन। जो प्लान होता है उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और डायरेक्शन सिर्फ रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे दिखाया जाता है। और जो मैप होता है, मैप में टोपोग्राफिक मैप में वर्टिकल डिस्टेंस, एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल प्लेन डायरेक्शन के साथ साथ एलिवेशन भी शो करते हैं, वो मैप कहलाता है। प्लान जो बनाते हैं वो स्मॉल एरिया के लिए यानी छोटे एरिया के लिए प्लान बनाते हैं, और जो मैप बनाते हैं वो लार्ज एरिया के लिए। अब जैसे देख सकते हैं कि किसी भी माइन का प्लान होता है, माइन यानी छोटा एरिया, ज़्यादा तो होगा नहीं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो मैप होता है, मैप लार्ज स्केल में बनता है और बड़े एरिया के लिए बनता है, जैसे इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप या किसी देश का मैप। मैप जो बनेगा वो हमेशा स्मॉल स्केल में बनेगा, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर या उससे ज़्यादा, और जो प्लान होगा वो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर या उससे कम। प्लान हमेशा लार्ज स्केल में बनेगा और मैप स्मॉल स्केल में बनेगा। बात करते हैं नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वे के बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? तो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इज फर्स्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकंड है, लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ये क्या है, आइए इसको देखते हैं। अंडर दिस प्रिंसिपल वेदर प्लान और जियोडेटिक सर्वेइंग इज वेरी एसेंशियल टू एस्टेब्लिश फर्स्ट सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट विद हायर प्रिसीजन ऑफ द होल एरिया टू बी सर्वेड। द होल एरिया विल बी डिवाइड इंटू लार्ज ट्रेंगल्स ऑफ ट्रेवर्सिंग और बोथ। देखिए,
वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट यानी एक बड़े एरिया का सर्वे करने के लिए उसे सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे और उसे ट्रिंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी छोटे छोटे एरिया का सर्वे करते हुए बड़े एरिया की तरफ जाएंगे, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा पॉइंट कहता है लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय द मेजरमेंट फ्रॉम द टू पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट टू बी सर्वेड शुड बी लोकेटेड बाय द मेजरमेंट फ्रॉम द एटलीस्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, द पोजिशन विच हैव ऑलरेडी बीन फिक्स्ड, दिस मे बी डन लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। कहता है रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट टू बी सर्वेड शुड बी लोकेटेड बाई मेजरमेंट फ्रॉम द एटलीस्ट टू पॉइंट, जिस पॉइंट का हमें मेजरमेंट करना है, जिस पॉइंट का हमें लोकेशन फाइंड करना है, उस पॉइंट से कम दो रेफरेंसेस पॉइंट हमें पहले से पता होने चाहिए, तभी तो हम उस पॉइंट के सापेक्ष उस पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें पता है उससे उस पॉइंट जिस पॉइंट को हमें पता करना है उससे उसका डिस्टेंस क्या है और किस डायरेक्शन में है। एक पॉइंट मान लीजिए गलत हो सकता है लेकिन दूसरा पॉइंट तो सही बताएगा, जब दोनों पॉइंट हमारा मैच करेगा तो इट्स मीन वो हमारा पॉइंट एकदम एक्यूरेट रहेगा। इसलिए सर्वे के करने के लिए हमेशा कम से कम दो पॉइंट्स होने चाहिए, रेफरेंस पॉइंट्स। मेजरमेंट्स, मेजरमेंट आर मेनली टू टाइप्स यूज इन सर्वे, फर्स्ट होता है लीनियर मेजरमेंट, दूसरा होता है एंगुलर मेजरमेंट। जो सर्वे के दौरान अपन मेजरमेंट करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है लीनियर मेजरमेंट, दूसरा होता है एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजरमेंट होता है और एक वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट होता है। जो एंगुलर मेजरमेंट होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, उसमें भी होता है हॉरिजेंटल एंगुलर मेजरमेंट एंड वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इज द ब्रांच ऑफ सर्वे इन विच द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रू मेरिडियन, लोकल टाइम एटसेट्रा कैन बी डिटरमाइंड फॉर द वेरियस प्लेसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाय द ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज द सन एंड स्टार्स। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करने के दौरान, तो ये एक ब्रांच सर्वे का ही ब्रांच है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करने के दौरान जो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ट्रू मेरिडियन होता है और लोकल टाइम होता है ये सारे हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये बड़े ही प्रिसीजस होते हैं, बहुत ही माइन्यूट इसमें एरर आ सकते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करके एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बेसिकली वो जब सन और स्टार्स यानी कि अर्थ सरफेस से ऊपर हम जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो इसका यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द ड्रॉइंग और प्लेन टू बी करस्पॉन्डिंग टू द कन्वीनियंट यूनिट ऑफ द लेंथ ऑन द ग्राउंड। कहता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द ड्रॉइंग, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जहाँ पे अपन एरिया में यानी फील्ड में जब हम सर्वे करते हैं, तो फील्ड सर्वे के दौरान अगर हमें 100 मीटर के एरिया का सर्वे करना है तो 100 मीटर का तो हम प्लान बना नहीं सकते, तो 100 मीटर को एक स्केल के माध्यम से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाता है। यानी 100 मीटर को अगर 1 सेंटीमीटर से हम शो करते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, तो जो 1 सेंटीमीटर होगा उसका आरएफ होगा यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल मीन्स 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन द स्केल रिप्रेजेंट 100 मीटर और लेस देन 10 मीटर रिप्रेजेंट 10 मीटर और लेस देन 10 मीटर ऑन द ग्राउंड, बट स्मॉल स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 100 मीटर और मोर देन 100 मीटर ऑन द ग्राउंड। कहता है लार्ज स्केल मीन्स ऐसा स्केल जो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर या उससे कम रिप्रेजेंट करे वो लार्ज स्केल कहलाएगा, और यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर और 100 मीटर से ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है तो वो स्मॉल स्केल कहलाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड इन, जो कर्वेचर ऑफ द अर्थ होता है वो किस सर्वे में कंसिडर्ड नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है जियोडेटिक सर्वे, दूसरा ऑप्शन है प्लेन सर्वे, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। सो अपन जानते हैं, अपन अभी पढ़े हैं कि जो प्लेन सर्वे होता है उसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जा सकता, यानी 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया का अगर सर्वे करते हैं वो प्लेन सर्वे कहलाएगा और उसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड व्हेन एरिया इज मोर देन,
यदि एरिया 260 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है तो हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर करेंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू बी प्रिपेयर अ ड्रॉइंग, क्रॉस सेक्शन, मैप और प्लान। जो हम सर्वे करते हैं उसका मेन यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लान या फिर मैप बनाने के लिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। जो सर्वे का प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल, वह है होल टू पार्ट, यानी सर्वे को हम होल टू पार्ट सिद्धांत के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इन मैट्रिक सिस्टम इज। जो मैट्रिक सिस्टम में जो बेसिक यूनिट है लेंथ की, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट है, वो कौन सी है, एमएम है, सेंटीमीटर है, मीटर है या डेसीमीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिलीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6, द मेथड ऑफ प्लान सर्वेइंग कैन बी यूज व्हेन द एक्सटेंट ऑफ द एरिया इज लेस देन 1500 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 260 स्क्वायर मीटर। आई थिंक यहाँ रॉन्ग है, 260 स्क्वायर किलोमीटर होगा। द मेथड ऑफ प्लान सर्वेइंग कैन बी यूज फॉर एक्सटेंट ऑफ द एरिया इज लेस देन 260 स्क्वायर किलोमीटर। नौ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द एरिया ऑफ सर्वेइंग यूज फॉर डिटरमाइनिंग द हाइट और एलिवेशन ऑफ द डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज। जो सर्वे करते हैं हाइट और एलिवेशन डिटरमाइन करने के लिए, वो क्या कहलाता है, ट्रेवर्सिंग, सर्वेइंग, लेवलिंग या नन लेवलिंग। लेवलिंग के डिफिनेशन में अपन पढ़े थे, द आर्ट ऑफ सर्वेइंग यूज फॉर डिटरमाइनिंग द हाइट और एलिवेशन ऑफ द डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज लेवलिंग। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज स्मॉलेस्ट वन। दिए गए स्केल में सबसे छोटा स्केल कौन सा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, या 1/5000, या 1:10,000, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। सो ये जो 5000 दिया है, तो 5000 को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो ये 5 किलोमीटर हुआ, और 10,000 किलोमीटर तो 1/10 हुआ, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।